हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पल्लवी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक नई रेसिपी, मशरूम मेथी मलाई। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई इंग्रेडिएंट या स्टेप मिस ना हो। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मशरूम को अच्छे से वॉश कर लें, इसके बाद इसे कट करेंगे। कट आप चाहें तो डंठल हटा के भी कट कर सकते हैं। इस तरह से मैं आपको दो तरीके से चॉप करके दिखा रही हूँ, आपको जैसा पसंद है वैसा चॉप कर सकते हैं। डंठल को फेंकना नहीं है, डंठल के पीछे से इस तरह से इसको कट कर लें और इस तरह से चाहें तो स्लिट करके भी हटा सकते हैं। और अगर इस तरह से काले धब्बे कहीं दिखें तो वो कट करके आप उसे हटा दें। तो इस तरह से आप चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ करीब मैंने 400 ग्राम मशरूम अच्छे से चॉप कर लिया है और 50 ग्राम मेथी को इस तरह से बारीक कट कर लिया है अच्छे से धो के। उसके बाद दो प्याज मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, दो मीडियम साइज टमाटर मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ हाइब्रिड टमाटर लिए हैं, इससे ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है। आपके पास जो भी टमाटर हो आप वो ले सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्च मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है, 1.5 इंच मैंने अदरक इस तरह से बारीक ग्रेट कर लिया है और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ मैंने ले ली हैं। फ्रेश क्रीम मैंने लिया है करीब 5 से 6 चम्मच और थोड़ा सा धनिया पत्ती इस तरह से गार्निश के लिए ले लिया मैंने। 5 काजू लिए हैं मैंने, बड़े दाने थे तो इसे मैंने गर्म पानी में भिगो दिए हैं। जब तक ये भीगता है तब तक हम मसाले को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक तवा लिया है, तवा प्रीहीट कर लें। इसमें करीब 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं, चाहे तो बटर में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। और पहले हम मशरूम को फ्राई कर लेंगे। मशरूम को तेज़ आंच पे ही फ्राई करें क्योंकि इसमें काफ़ी सारा पानी रहता है, तो वो अभी पानी रिलीज़ करेगा। इसे अच्छे से फ्राई कर लें आप तेज़ आंच पे। आप देखेंगे जब आप थोड़ी देर भून लेंगे तो ये पानी छोड़ेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारा पानी आ चुका है इसमें। अब आपको इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए, इसलिए मैंने कहा कि अब इसे तेज आंच पे ही फ्राई करें। अभी ऑलमोस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। मैं सिंगल पैन में ही बना रही हूँ ताकि बैचलर्स हो या बिगनर्स उन्हें परेशानी ना हो और बिल्कुल आसान तरीके से वो बना सके ये रेसिपी। तो सेम पैन मैंने यूज़ किया है, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद 1 चम्मच मैंने जीरा ऐड किया है। इसके बाद प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को सॉटे करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लें। इसे बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे इसे। इसके बाद मैं 2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। नमक डाल के भी इसे सॉटे कर लेंगे इस तरह से। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो चुका है तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे अब। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी ज़रूर शेयर करें इस रेसिपी को। लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च डाल दें। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना स्पाइसी आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। अदरक मैंने करीब 1 से 1.5 चम्मच ऐड किया है। 1 से 1.5 इंच भी मैंने ग्रेट करके लिया था अदरक। अदरक भी आपको जो फ्लेवर जितना पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी ना करें ताकि कड़वाहट ना आ जाए। बस इसे अब ढक कर करीब 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। और ये अच्छे से दिख रहे हैं कि सॉफ्ट हो चुका है और इसे ढक के अब हमें इसे ठंडा होने तक का वेट करना है। करीब 10 आधे घंटे के बाद ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो बस इसे उठा के ग्राइंडर जार में डाल लें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये रेसिपी बिल्कुल आसान तरीके से वो भी घर पे बना सकें। अब सारा मसाला इसमें डाल दें, इसमें मैं काजू भी ऐड कर रही हूँ और इसे ग्राइंड कर लेंगे। सेम तवा फिर से मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें करीब 2 टेबल स्पून मैंने बटर ऐड किया है। ठंड में बटर काफ़ी जम जाता है तो इस तरह से मैं स्पून से निकाल रही हूँ। अब ये जब तक मेल्ट होगा इसमें मैं
मेथी डाल के इसे फ्राई कर लूँगी। मेथी को भी तेज आंच पे ही फ्राई करें क्योंकि बहुत सारा पानी होता है मेथी में, तो इस तरह से इसे फ्राई कर लें। अब इसमें मैं आधी चम्मच करीब हल्दी ऐड कर रही हूँ, आधी चम्मच में लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और आधी चम्मच में काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, पर इसके बिना भी ये काफ़ी टेस्टी बना है। और एक चम्मच मैंने यहाँ कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड किया है, ये इस तरह से जब बटर के साथ मिक्स होता है तो काफ़ी अच्छा कलर रिलीज करता है, तो इसे लास्ट में डालें। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर छोड़ रहा है ये। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है तो बस इसमें आप पेस्ट ऐड कर दें। बहुत ही कम से कम मेहनत में ये बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के रेडी हुई है। तो जब कभी गेस्ट आएँ तो उन्हें इस तरह से बना के खिलाएँ, बहुत ही पसंद करेंगे और बहुत तारीफ़ करेंगे। और ये देखिए काफ़ी अच्छा सा सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका है। इसे अच्छे से सॉटे कर लें। अब हमें करीब 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करना है। आपके ग्राइंडर में जो भी मसाले लगे हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके आप वापस इसमें डाल सकते हैं। अब ये फ्राई हो चुका है मसाला हमारा, तो इसमें मशरूम ऐड कर दें। बहुत ज़्यादा इसे भुनना नहीं है क्योंकि प्याज और टमाटर लिए हैं वो भी कुकड लिया है हमने, कुक ड्राइंग की है इसलिए बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है इसको। बस मशरूम डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लें तो ये, और ये देखिए कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक सा है, और जब ये ठंडा होगा तो ये और थिक हो जाएगा, तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, ये देख रहे हैं कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है, जैसे जैसे ये ठंडा होता है तो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा, इस तरह से इसमें गर्म पानी ऐड कर दें। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। मैंने क्रीम ऐड कर दिया है, आप चाहें तो और क्रीम ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी क्रीमी सा टेक्सचर आएगा और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा सा आता है। बस ये ऑलमोस्ट आपका सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका है, कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से ही रहेगी। लास्ट में मैं आधा चम्मच गुड़ ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट और फ्लेवर काफ़ी अच्छा इन्हेंस हो जाता है। और लास्ट में मैंने एक चम्मच छोटे चम्मच से छोटी इलायची का पाउडर ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्या आपने इस तरह से कभी कोई रेसिपी बनाई है, और इसे मिक्स कर लें। बस अब ये सब्ज़ी बनके रेडी है, अब हम इसे लास्ट में धनिया पत्ती से गार्निश कर लें और चलिए सर्व करने चलते हैं। इसे रोटी पराठा पूरी या राइस किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी, तो इसे इस तरह से सर्व करें गर्मा गर्म, बहुत ही अच्छा लगता है। जब कभी गेस्ट आए तो इस तरह से बनाएं, बहुत पसंद करेंगे वो। और अभी न्यू ईयर आ रहा है तो इस रेसिपी को एक बार आप घर पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और मशरूम काफ़ी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन हैं। और लास्ट में इसमें क्रीम से आप गार्निश कर दें। तो बस सब्जी बन के रेडी है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।